थोड़ी डाइटिंग कर लेते हैं इसलिए मोमोज। मैंने इसको कहा था सियाराम जय राम जय जय राम। आए मजे गरम गरम ही था। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज vlog बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम एक टेम्पल विजिट करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं रूपाली के पास आया था, मम्मी की साड़ी देनी थी रूपाली को, तो वो देने आया था। दिख क्यों नहीं दिया भाई, दिख क्यों नहीं दिया है? तो आज हम जाने वाले हैं एक टेम्पल विजिट करने, बहुत प्यारा सा, तुम सबको बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल अभी मैंने इसको साड़ी वगैरह दे दी है, अभी मैं घर में जा रहा हूँ, अपने नहा धोकर तैयार वगैरह हो जाऊंगा और रूपाली भी नहा धोकर तैयार हो जाएगी। ठीक है रूपाली, 10 मिनट के अंदर, ज्यादा लेट नहीं होना, हार्डली कितने मिनट्स, 10 मिनट्स। और तुम सबको आज मैं जो टेम्पल दिखाने वाला हूँ बहुत मज़ेदार टेम्पल है। तो आज के बाद हम ना वीकली एक दिन ना कोशिश करा करेंगे कि नवे नवे जो टेम्पल्स हैं उनको विजिट करें, है ना। तो मैं भी दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। तो फिलहाल अभी घर जाता हूँ, नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। तू भी तैयार हो जा, तैयार हो जा, ठीक है। और पैर छुए दिन आज बोल बोल के काम करते, ओके चलो, ओके रूपाली तैयार हो जा। राधे 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 राधे। हम आरती के टाइम पे जा रहे हैं ना, आरती वाले टाइम पे जा रहे हैं, मेरा ऑफिस था तो अब क्या करें। इसके लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगा गाड़ी में जाते ही, इसको पिक कर लिया गाड़ी में बैठते ही एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगा रूपाली के लिए। तो वी आर ऑल सेट, जाने के लिए हम पूरे तैयार है। और रूपाली बोल नहीं रही बट ये सुनना चाहती है जो मैं सॉन्ग इसके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, गा दो। ठीक है रूपाली, दिखाना, इधर देखना पड़ेगा, मेरी तो आवाज आ जाएगी पीछे से, एक्सप्रेशन तेरे आने चाहिए ना, जो तेरे गाना है जितनी प्यारी तो लग रही है इसके लिए है सॉन्ग। ठीक है, रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, बिन गहने और श्रृंगार बिना रूपाली तो लगती है दुल्हन। रूपाली इतना प्यारा सॉन्ग है, मैं तेरे सिर्फ इसलिए कि तू इतनी प्यारी लग रही है, सूट में मैंने कहा है ना कि तू कहर आती है। तो चलो गाइस, अभी विदाउट टाइम वेस्ट करे बिना हम मंदिर चलते हैं। मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा एक यहाँ का मंदिर जो तुमने शायद से, अब मैं ना कोशिश करूंगा कि तुम्हें ना न्यू टेंपल्स भी एक्सप्लोर कराऊं वीक में एक बार, ऐसे ट्राई करेंगे, मेरा भी जाने का मन पूरा हो जाएगा और तुम सबको एक्सप्लोर भी करा दूंगा, रूपाली को भी दिखा दूंगा, है ना। तो आज हम जिस टेंपल जा रहे हैं उस टेंपल में पहुंच कर ही बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, वहां की स्टोरी भी बताऊंगा कि एक्चुअल में वहां की क्या मान्यता है। तो चलो अभी विदाउट टाइम वेस्ट करें चलते हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम, छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। तो फाइनली अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं और आज का जो फर्स्ट मंदिर है जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है राम मंदिर। तो यहाँ राम दरबार है, राम मंदिर है, इसकी एक कहानी है कि ये राम मंदिर क्यों है, कैसे बना और क्या मान्यता है, तो वो समय तुम्हें बताऊंगा। तू तो आई नहीं ना राम मंदिर, तू मतलब बाकी मंदिर में गई है जैसे कैलाशपति मंदिर पर, तू यहाँ मनसा देवी भी गई है बट यहाँ नहीं आई ना तू कभी। तो चलो कोई नहीं, आज इसको हम राम मंदिर दिखाएंगे, इसलिए लेके आए क्योंकि यहाँ पे राम और सीता, राम सीता माता सब, पापा के भी फेवरेट है ना राम भगवान तो नहीं, पापा यहाँ हमेशा आते हैं, पापा बात बात पर यहाँ आते हैं क्योंकि पापा को थोड़ा सा भी टाइम फ्री मिलता है ना किसी भी दिन, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो पापा यहाँ आ जाते हैं क्योंकि पापा को राम भगवान का बहुत हुआ है, बहुत ही ज्यादा हुआ है, तो बस राम मंदिर आ जाते हैं कुछ भी हो। ये राम दरबार, ये रूपाली राम दरबार, जय श्री राम। ये कक्ष है शयन कक्ष है बजरंग बली का, यहाँ पर बजरंग बली विश्राम करते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम, यस जय श्री राम, यहाँ पर विश्राम करते हैं। राम दरबार के दर्शन तो कर लिए, अब हम जा रहे हैं, आज मौसम इतना मस्त हो रखा है, हवा चल रही है, बिजली भी कड़क रही है तो बारिश होगी आज शायद। अब हम जा रहे हैं बजरंग बली और जो यहाँ पर गुरु जी थे उनका जहाँ पर बनाया हुआ है ना मंदिर, यहाँ पर तो बजरंग बली का है, शिव जी भगवान है बजरंग बली शायद से उस साइड है, वो रहे बजरंग बली, और वहाँ पर वो गुरु जी रहते हैं जो सबसे पहले यहाँ आए थे,
पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यहाँ पे अलग ही फील आता है जब मैं शिव को देखती हूँ। शिव जी कौन? हाँ, शिव जी कौन इसके फेवरेट है। तो हमारे दर्शन वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, क्या बड़ी मजा है? बहुत है? बहुत मजा आता है यार मंदिर वगैरह ना ऐसे जाने में। ऐसे थोड़ी देर के लिए मेरे मन तो करता है कि कुछ भी ना बोलूं। कुछ भी ना बोलूं मतलब? शांति से मिलती है ना, मतलब ऐसे लगता है कि बोलूंगी कुछ तो वो दिमाग में वो चले जाए, ऐसे शांति मिलूंगी कुछ ना कुछ, मतलब अच्छा लगता है इस जगह पे ना, थोड़ा पीस मिलता है तो अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली मुझे इतना ही पता है यार, यहाँ पर एक बाबा जी हैं, उन्होंने स्थापना करी थी और वो बहुत पहले आए थे। बट अभी मैंने उनसे पूछा एग्जैक्टली क्या था, तो 1984 के टाइम पर दंगे, जब दंगे चले थे उस टाइम पर वो बाबा इधर आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्थापना करी थी। तो जो एक सैन कक्ष उनका भी था ना, तो उन्होंने यहाँ पर राम मंदिर की स्थापना करी थी। तो तब से ये मंदिर है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी मान्यता है यहाँ पर भी, मतलब राम मंदिर की। और मतलब मज़ेदार जगह है, अच्छा लगता है यहाँ पर आके, पीसफुल सा बड़ा फील होता है। तो अच्छा लगा मुझे, अगली बार कहीं और चलेंगे है ना। तो चलो अभी फिलहाल कहीं मार्केट में खाने पीने चलते हैं, टाइम से आएंगे। आज तो थोड़ा ऑफिस था, अभी चलो मार्केट में कहीं खाने पीने चलते हैं। फिलहाल अभी सोच रहा था शादी आने वाली है, डेढ़ महीना रह गया तो थोड़ी डाइटिंग कर लेते हैं, इसलिए मोमोज। मैंने इसको कहा था कि रोटी सब्जी खाने चलते हैं। वो नहीं नहीं क्या करियो, मेरे कसम मैंने कहा था रूपाली कहीं बैठ कर खाते हैं, बैठ कर रोटी सब्जी खाएंगे। फिर तूने इतने कहा मेरा मन कर रहा है वो मोमोज खाने का, रूपाली तूने कहा मेरा, तूने कहा मेरा मोमो, अच्छा एक बार सिर्फ इतना बता दे, तूने कहा कि नहीं कहा कि मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है डाइटिंग करने का, वो मोमोज खाने का। तो इसलिए मैंने कहा जो तू कहेगी वही होगा, मैं कहा मोमोज खाने तो मोमोज खा लेते हैं। तो हम देखो ये जो अंकल है ना भैया, सॉरी भैया भैया भैया, जो ये भैया है ये बड़े मतलब मस्त बनाते हैं मोमोज। हाँ एक बार बता रहे थे बड़े सही मोमोज वगैरह बनाते हैं स्प्रिंग रोल, तो इनके पास आया, यहाँ से खा के फिर चलेंगे आगे। मैंने नहीं बोला था यहाँ पे रुकने के लिए क्योंकि गाड़ी का हैंडल मेरे पास नहीं है अंकल के पास है। तो चल अब ले तो रोका वहीं पे मेरे को, फिर एक एक ले आ, एक एक ले आ, सिर्फ एक मतलब हाफ प्लेट मोमोज और हाफ प्लेट एक रोल बस, आधा आधा खा के फिर चलेंगे, मतलब छह मोमोज और एक स्प्रिंग रोल बस, फिर बाकी कहीं और जाके खाएंगे ना। रूपाली आ चुकी है, अरे भैया ने दिया, मैंने कहा था छह मोमोज और मोमोज गिन लो भाई कितने लग रहे हैं। छह तेरे को हो गए, तीन मेरे को रह गए। रूपाली छह मैंने दोनों के लिए कहे थे और एक रोल, ये दो है कि एक है? एक दिया यार, एक ही दिया ना, फिर ठीक है रोल तो ठीक लगे तू, पर तू मोमोज ज्यादा लिया रूपाली, इतने मोमोज तो नहीं खा पाएंगे यार, घर में जाके थोड़ा सा घर का खाऊंगा ना, ये तो इतना बाहर का सही नहीं है। क्या कर रही है घर में, क्या है? देखता हूँ कितने खा सकती है तू, कितने खाएगी देखता हूँ। मुझे गरम नहीं था। तो यार हमने डिसाइड करा है कि हम अमृतसर या कुलचा खाएंगे, काफी दिनों से खाया भी नहीं है तो अमृतसर या कुलचा खाने चलेंगे हम, और आ चुके हैं और मेरे को इसलिए बार बार खिला रहे क्योंकि फिर मैं घर चले जाऊंगी ना, तो सही में क्योंकि अगर ये घर चलेगी तो फिर अभी खिला देते ना, बढ़िया फिर मैं अभी घर ही रहूंगा, मैंने बाहर का जाना, तो इसलिए अभी हम अमृतसर या कुलचा खाने चल रहे हैं। खाना पीना तो हो चुका है, मजा आ गया। तो अभी मैं रूपाली घर के यहाँ पर पहुंच गया हूँ, अब रूपाली को सिर्फ वाली के घर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। भाई कैसा रहा? मजा आया, मैंने वो मंदिर आज देखा। अच्छा था ना, कैसा फील हुआ? अच्छा। कुत्ते को देखो कहाँ बैठा हुआ है, सो गया वही जैसी कैमरा कर रहा, सो गया। कितना चतुर कुत्ता था रूपाली है ना। चल ठीक है, ओके ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। रूपाली पे भोंक रहा है।